रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का 24वां दिन है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सीधी चेतावनी दे दी। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पास बातचीत का अंतिम मौका है और अगर रूस नहीं माना तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी चेतावनी जो है ये रूस को दी गई है और ये चेतावनी दी गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से। कहा कि आखिरी मौका है, बातचीत कर लीजिए, अगर आप बातचीत नहीं करते हैं तो फिर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो एक बड़ी चेतावनी जिसके जरिए कहा गया कि रूस की कई पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी, ये ऐसी चेतावनी है रूस अभी भी है कि वक्त रहते संभल जाए।